अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा या नवीनकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा उनके स्रोत का क्षय नहीं होता या इनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीनीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का अविभाज्य अंग बन गई है। ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता के लिए अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है। अक्षय ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा विकल्प है जो असीम है। ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्णीय हैं तथा जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। वैश्विक गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से बचाव। अक्षय ऊर्जा स्रोत वर्ष पर्यंत अबाक रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित, स्वतः स्फूर्त व भरोसेमंद है। साथ ही इनका समान वितरण भी संभव है। भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस व लघु पन बिजली उत्पादक स्रोत हैं। 21वीं शताब्दी का स्वरूप जीवाश्म ऊर्जा के बिना निर्धारित होने वाला है, जबकि 20वीं शताब्दी में वह उसके द्वारा निर्धारित किया गया था। पूरे विश्व में कार्बन रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास व उन पर शोध अब प्रयोगशाला की चार दीवारी से बाहर आकर औद्योगिक एवं व्यापारिक वास्तविकता बन चुके हैं। भारत और अक्षय ऊर्जा। देश का अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम विश्व के इस प्रकार के विशालतम कार्यक्रम में से एक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी, बायोगैस, समुन्न चूल्हे, बायोमास, गैसीफायर, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष प्रजातियां, जैव पदार्थ का दहन एवं सह उत्पादन, पवन चक्की द्वारा जल निकासी, वायु टरबाइन द्वारा शक्ति का उत्पादन, सौर तापीय व फोटोवोल्टाइक प्रणालियां, नागरीय, घरेलू तथा औद्योगिक अवजल व कचरे से ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, फ्यूल सेल, विद्युत चलित वाहन व परिवहन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर कार्य हो रहा है। आने वाले कुछ हजार वर्षों में ही हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जिसे बनाने में प्रकृति ने लाखों वर्ष लगाए हैं। उसे हम कुछ ही मिनटों में समाप्त कर देते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, सामाजिक एवं आर्थिक दबाव तथा राजनैतिक उठापटक समस्या को और भी गंभीर बनाते हैं। अतः नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व प्रयोग तथा इस हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आज ही आवश्यक।